कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंची रहस्यमय पवित्र स्थान, जिसके आगे आज का विज्ञान भी घुटने टेकता है। माउंट कैलाश सबसे पवित्र पहाड़ों में से एक है, जो चार धर्मों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्ध, जैन, हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर से हजारों लोग हर साल की तीर्थ यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की ऊंची चोटी है, उसके ऊपर करीब 8,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर जिसके आगे हर कोई घुटने टेकता है? कैलाश पर्वत को लेकर आज भी कई रहस्यमयी कहानियां घूमती रहती है, तो चलिए देखते हैं कैलाश पर्वत की कुछ अनसुलझे रहस्यों को। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे रखा हुआ है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है, इसलिए आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल हो जाए तो उसकी मौत हो जाती है। पौराणिक मान्यताएं कहती है कि कैलाश पर्वत के पास ही प्राचीन धनकुबेर नगरी भी है, हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैलाश पर्वत की तलहटी का दौरा किया था, जिसमें वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि बर्फ से ढका एक पिरामिड है, जो कुछ छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे शिव पिरामिड भी कहा जाता है, और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत चार महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली या घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच दो झील स्थित है। पहला झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को निरंतर यहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन ध्यान से सुनने में यह आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। ऐसा दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। माना जाता है कि कैलाश यात्रा सौभाग्य प्रदान करने के साथ ही पापों को दूर कर देती है। हालांकि कैलाश यात्रा आसान नहीं है, और कई किलोमीटर तक पैदल चलकर इसे पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है, इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की और उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के एक पर्वतारोही सगे सिस्टिया को कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ में ऐसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। चारों ओर खड़ी सी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टाने चढ़ने में बड़े से वर्धा पर्वतारोही भी घुटने तक दे। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस जगह पर एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। इसी वजह से कई तपस्वी इस पवित्र स्थान पर आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, ताकि उनको समाधि का अनुभव मिल सके। पुराणों के अनुसार यहाँ शिव जी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5वीं शताब्दी से ही शुरू होने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है।
जबकि मान्यता है कि यह यात्रा इसके पूर्व भी होती थी। महाभारत काल में पांडवों के पर्वतारोहण के लिए कैलाश पर्वत पर जाने की मान्यताएं हैं। इसलिए अगर सभी को संभव हो तो इस पवित्र धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो महादेव के भक्त कैलाश पर्वत के लिए जरूर लाइक करें। हर हर महादेव।